नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के बबीना छावनी क्षेत्र से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां छावनी क्षेत्र के फील्ड फायरिंग रेंज में युद्ध अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। टैंक के बैरल में गोला फटने से सेना के दो जवान मौके पर ही शहीद हो गए हैं, तो वहीं एक जवान गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज सैनिक अस्पताल बबीना में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि फील्ड फायरिंग रेंज में 1 अक्टूबर से युद्ध अभ्यास चल रहा है। गुरुवार 6 अक्टूबर की रात घटना के दौरान टैंक T-90 बबीना फील्ड फायरिंग रेंज के पॉइंट नंबर 6A पर तैनात था। जैसे ही टैंक में गोला लोड किया गया, तभी बैरल फट गई। टैंक का बैरल फटने से धमाका हुआ, जिसमें मौके पर ही सेना के दो जवानों की मौत हो गई और एक जवान गंभीर रूप से घायल है। घटना के तत्काल बाद उपचार के लिए सभी को सैनिक अस्पताल बबीना लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने दो सैनिकों को मृत घोषित कर दिया था। उक्त घटना में शहीद हुए सैनिकों के नाम सूबेदार सुमेर सिंह बघेरिया, पुत्र भगवान राम निवासी बघेरिया की धानी, जिला झुंझुनू राजस्थान, सुकांता मंडल, पुत्र उत्तम मंडल निवासी ग्राम हंस पुकुरिया थाना पाला सिपारा जिला नदिया पश्चिम बंगाल बताए गए हैं। तो वहीं टैंक चालक का नाम प्रदीप यादव, पुत्र लालता प्रसाद यादव निवासी टेमा रहमत पोस्ट कुर्थिया थाना खलीलाबाद जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश बताया गया है। साथ ही साथ शहीद सैनिकों और घायल सैनिक के परिजनों को सूचना दे दी गई थी। सेना के अफसर फिलहाल उक्त मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ातरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।